आज हम बात करने वाले हैं अगला टॉपिक जो है बैंक समाधान विवरण। तो बैंक समाधान विवरण वैसे तो सरल टॉपिक होता है, लेकिन सिर्फ समझने की इसको बहुत अच्छे से ज़रूरत है, और यदि आपने समझ गया तो कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि बैंक समाधान जो विवरण है यह एक ग्राहक द्वारा तैयार किया जाता है। अब आपके मन में ये समस्या आती होगी कि बैंक समाधान विवरण क्या है। देखिए, जो ये व्यापारी होता है वह व्यापार में अपने पास तो पैसे रखता ही है, साथ में बैंक में भी पैसा रखता है, क्योंकि वर्तमान जो समय है उस समय में बैंक के बिना लेन देन कभी नहीं हो सकता। बैंक में पैसे जमा करना, बैंक से लेना व्यवसाय के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि हमारे पास वित्त कम है, धन कम है, तो हम कर्ज के रूप में भी बैंक से लेते हैं, अर्थात एक सामान्य व्यक्ति भी बैंक में अपना खाता रखता है। वैसे ही एक व्यापारी जो होता है वो भी अपना बैंक में खाता रखता है। आपको ये भी जानकारी होगी कि जो व्यापारी होता है वह अपने लिए चालू खाता खुलवाता है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति या जो उपभोक्ता होता है वो बचत खाते का को खुलवाता है, यानी बचत खाते का बैंक में अकाउंट खुलवा लेता है। लेकिन बचत खाता और चालू खाते में थोड़ा सा फर्क होता है। बचत खाते में सिर्फ एक लिमिटेड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो दिन में, लेकिन जो चालू खाता होता है उसमें व्यापारी के लिए अनलिमिटेड लेन देन किया जा सकता है, इसीलिए वह चालू खाता खोलता है। तो ये तो खाते की बात थी, हम यहाँ बात कर रहे थे बैंक समाधान विवरण की। अब देखिए, बैंक समाधान विवरण में एक व्यापारी है, जो व्यापारी अपना व्यापार में लेन देन के लिए भी अपनी पुस्तकें रखता, जो हमने आपको समझाया था, और बैंक जो है यह बैंक भी तो इस प्रकार की पुस्तक रखता होगा, क्योंकि बैंक में भी तो ऐसे बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं। अर्थात व्यापारी जो है यहाँ पर आपने देखा होगा कि रोकड़ वही रखता है, रोकड़ वही, यह वही जो है वह सामान्य वही भी है, अर्थात यह सहायक वही के रूप में भी प्रयोग की जाती है और मुख्य वही के रूप में भी प्रयोग की जाती है, इसलिए सहायक वही को रखता है। और इसमें तीन कॉलम आपने देखा होगा, जैसे हमने आपको समझाया था, तीन कॉलम हम यहाँ पे आपको बताते हैं। ये इसीलिए बताया जा रहा आपको कि इसके माध्यम से हम बैंक समाधान विवरण यहाँ पर सीखेंगे बनाना। तीन कॉलम जो बनाए थे हमने, पहले आपने देखा था कि एक बट्टा का कॉलम हमने बनाया था, दूसरा रोकड़ का कॉलम यहाँ पे बनाया था, और तीसरा बैंक का हमने यहाँ पे कॉलम बनाया था। इसी प्रकार आपने देखिए, जो क्रेडिट पक्ष है हमारा और डेबिट पक्ष है, तो क्रेडिट पक्ष में भी ये तीन कॉलम हमने यहाँ पे बनाए हुए थे। पहला था बट्टे का कॉलम, दूसरा था रोकड़ का कॉलम, और तीसरा बैंक का कॉलम। अब आपके मन में विचार आता होगा कि जो तीन कॉलम तो हमने पहले ही सीख गया है, लेकिन यहाँ पे इसके माध्यम से हम बैंक समाधान विवरण बनाना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं। बैंक जो खाता रखता है उस खाते की हमको एक नकल दे देता है, और उस नकल को हम बोलते हैं पासबुक। और इस पासबुक के माध्यम से हम पूरा हमारा हिसाब किताब मिलाते हैं कि बैंक में हमारा कितना पैसा है या नहीं है जमा है। तो पासबुक के भी आपने देखे होंगे, अब जैसे पासबुक में डेबिट और क्रेडिट, वैसे ही पासबुक में भी डेबिट और क्रेडिट, थोड़ा सा फॉर्मेट वहाँ पे अलग होता है। वहाँ पे यहाँ पे विवरण ऐसा लिखा रहता है, और हम जैसे यहाँ पे डेबिट राशि लिखते हैं तो उसमें एक ही तरफ डेबिट और क्रेडिट इस टाइप का फॉर्मेट में यहाँ पे बना दिया जाता है। तो हम आपको समझ में आए इसलिए इस पक्ष को डेबिट और यहाँ पर विवरण करके, दो विवरण करके यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि आपको समझ में आए इसके लिए बना रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि पासबुक जब बनाई जाती है, पासबुक आपको मिलती है, तो उस पासबुक में आपने देखा होगा डेबिट और उसके आगे क्रेडिट के ऐसे कॉलम बने रहते हैं, और फिर यहाँ पे विवरण का कॉलम रहता है। तो यहाँ पे जो भी विवरण है वो लिख के डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में, लेकिन इसमें आपको सही समझ आएगा, इसलिए बनाया जा रहा है। अब देखते हैं हम यहाँ पर रोकड़ वही और पासबुक जो है बैंक समाधान विवरण जब हम बना रहे हैं तो समाधान की क्या ज़रूरत है। अब हमने कभी यहाँ पे पैसे जमा किए बैंक में, पैसे जमा किया हमने पैसे, तो जमा किया तो पाने वाला कौन हो गया, बैंक हो गया। हमारी प्रविष्टि बनेगी बैंक
पाने वाला होगा, इसलिए बैंक खाता डेबिट किससे, रोकड़ खाते से। रोकड़ हमारे पास से चली गई, हमने यहाँ पे आपको प्रविष्टि भी नियम सही समझाया है, और आपने यदि नहीं देखा है तो वो वीडियो देखें जाके आपको समझ में आएगी। अर्थात हमने कहा कि बैंक खाता डेबिट हुआ है किससे, रोकड़ खाते से, और हमने इसकी प्रविष्टि यहाँ पे कर दिए थे। क्या किए थे, बैंक का डेबिट पक्ष रोकड़ खाते से, अर्थात यहाँ पे बैंक खाता डेबिट है, यानी बैंक खाते को, और यहाँ पे देखिए आप कितना रोकड़ में राशि लिख दी जाएगी, और इस तरफ क्या लिखेंगे हम, रोकड़ खाते से और बैंक में राशि लिख देंगे, इस टाइप से प्रविष्टि करेंगे। ऐसे ही आप देखिए पासबुक में जब हम गए थे तो बैंक ने हमसे पैसे लिया था, और बैंक ने पैसे लिया था तो बैंक भी अपने पास प्रविष्टि करेगा, और वो प्रविष्टि करेगा कि मेरे पास पैसे आए हैं, किसके, ग्राहक का पैसा आया है, यानी रोकड़ व्यापार में आ रही है, और जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट कीजिए, नियम है हमारा। तो बैंक लिखेगा रोकड़ खाता डेबिट किससे, ग्राहक से, ये प्रविष्टि कर लेगा, यानी रोकड़ खाता क्या हुआ, डेबिट हुआ है, और हम यहाँ पे ग्राहक का खाता बना रहे हैं। ये पासबुक जो है ये ग्राहक का खाता है, ये जो है ग्राहक का खाता है, तो ग्राहक क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, इसीलिए यह रोकड़ खाते को, इस टाइप से लिखेगा रोकड़ खाते को, और यहाँ पे राशि आ जाएगी। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो रोकड़ हमारी गई थी वो बैंक में, आप देखिए हमने जब लिखा था तो वह हमारी रोकड़ जो है वो डेबिट पक्ष में आई थी, यहाँ पे हमने उसे लिख लिया था रोकड़ खाते से, और आप देखिए वही रोकड़ यदि बैंक में जाती तो क्रेडिट पक्ष में रोकड़ खाते को लिखा जाता है। अर्थात एक बात तो आपको समझ में आई होगी कि हमारी रोकड़ वही जो है उसका डेबिट पक्ष ही पासबुक का क्रेडिट पक्ष दिखाता है। दोनों कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम कि रोकड़ वही का डेबिट पक्ष इसके समान क्या होगा, पासबुक का क्रेडिट पक्ष एक जैसा बैलेंस दिखाएगा, एक जैसा दिखाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने 1,000 रुपये यदि हमने जमा किए हैं बैंक में, तो यहाँ पर जो बैंक में जाके देखेंगे तो 1,000 दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, और यदि यह नहीं दिखाई दे रहा है तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, इस बात के लिए हम क्या काम करेंगे, एक किन कारणों से नहीं दिखाई दे रहा है, क्या समस्या है, यह बात जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस समस्या का हल निकालने के लिए एक विवरण तैयार करेंगे कि हमारा जो रोकड़ वही का और पासबुक का शेष जो है वो एक जैसा क्यों नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए, और इसे मिलाने के लिए एक समाधान करेंगे, इसका इस समस्या का समाधान करेंगे, इसके लिए एक विवरण तैयार करेंगे, और उसी विवरण को हम बैंक समाधान विवरण के नाम से जानते हैं। अब बिल्कुल आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि बैंक समाधान विवरण क्या है, और भी सरल शब्दों में हम कहें तो रोकड़ वही का शेष और पासबुक का शेष दोनों को मिलाने की प्रक्रिया का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे हम बैंक समाधान विवरण कहते हैं। बच्चों को सभी समझ में आया होगा। अब इसमें जो समाधान करते समय जो विवरण बनाएंगे तो वो विवरण किन कारणों से बनाएंगे, किन कारणों से वो समस्याएं आती है, क्या ये खाता है, बिल्कुल वह विवरण जो है वो खाता नहीं है, वह विवरण जो होता है वह एक विवरण कहलाएगा, खाता नहीं कहलाएगा, क्योंकि खाता वही का यह अंग नहीं है। अब देखिए रोकड़ वही और पासबुक दोनों के शेष में अंतर के क्या कारण होते हैं, क्यों अंतर आता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, और उसका प्रारूप क्या होता है वो भी आपको हम यहाँ पे समझाएंगे। हमने सिर्फ समझा कि बैंक समाधान विवरण क्या है। तो यदि आपको अगला वीडियो
चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बहुत सरल तरीके से हम आपको समझा देंगे, कभी आप भूलोगे नहीं। तो अधिक से अधिक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचाएं और लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और अगले वीडियो का आपको फ़ायदा मिल सके। एकदम फ्री आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे 11th और 12th अकाउंट्स के। और यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमें बताएं और हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।